वाहिगुरु साहिब जी रागे अरसा महला पहला पट्टी जैया जान मन गोभी कादगी जेकर सच पछाण गुरमुख आक गुरमुख बूझ गुरमुख एको जान करार रव रहया सब अंतर जेते की ये जनता जात उपाय तंदा सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ला लाए तंदा जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया बाणी के मौके शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन दरबार अंदर संध्या तो जुड़ बैठ गुरु घर के कीर्तनिया पासों रबी बाणी के अकाली बाणी के तुरकी बाणी के पावन शब्दों का आप जी ने कीर्तन श्रवण किया है। कीर्तन के द्वारा जिथे नाम की वडियाई बयान की उत्थे नाम जपण वाले की भी गल की। नाम की वडियाई करते हुए बचन गायब किया गया तेरा एक और नाम मंजी ठड़ा तराता मेरा चोला सद रंग ढोला जपण वाले की गल करते हुए बचन सानू सरवणी करवाया जो जन ले खसम का नाम तिन कह हां सब बलगा रह जा जिहड़े खसम का नाम लैंदे ने मैं उन्हां तों बलगा जाना। असीं जदों गुरु पातशाह अगे अरदास करदे हां अरदास विच उन्हां सारिआं तों कुर्बान जांदे हां किन्हां तों जिन्हां नाम जपिआ वंड छकिआ देख चलाई ते गवाही देख के अणजिट कीता धर्म नहीं हारिया सिखी केसां श्वासां नाल निभा की इत्थे बस नहीं असीं उन्हां तों ही कुर्बान जांदे हां किन्हां तों जिहड़े आर्यां नाल चराए गए कोपरियां वहाइया बंद बंद कटवाए इथों तक कि गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया की हुण इन्हां सारियां चीजां नूं सामने रख के असीं इह फैसला करी भी नाम जपना की हुंदा है।
असि जो शोधक की बाणी पढ़ते हैं बाबा नानक जी के बचन करते हैं आखण औखा सचा नाम सतनाम वाहिगुरु कहना की औखा है वाहिगुरु वाहिगुरु करना की औखा है पर मालक ने आखण औखा सचा नाम सच ते चलना सच ते खड़ना सच नु कमाना सच हजम करना औखा है क्योंकि जो सत के राह से चलन वास चलन वाले उन्होंने वास्ते गर्म तविया नहीं उन्होंने वास्ते गर्म पानी है उन्होंने वास्ते तपती रेत है उन्होंने वास्ते आरे ने उन्होंने वास्ते चरखड़िया ने उन्होंने वास्ते बद बद कटाउना है जबूरा दे नाल मास मास तक नोच लिया गया बड़िया कुर्बानियां कीतियां ने ते कीतियां किन्ना ने जिन्ना जपिया इस तो अगे आप जी ने पट्टी बाणी दे अगले अखरां दे शब्द और उन्हां शब्दां दे नाल संबंधित पदियां दा पाठ श्रवण कीता अज असीं गल शुरू करनी है ये अखर तो मालक ने वचन कीता यही है जन मन होवी कद ही जेकर सच पछाणे ये अखर द्वारा हजूर गुरु नानक साहिब जी ने फरमान कीता मुड़ के उहदा कदे भी जमणा नहीं आउणा ਕੀਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪਛਾਣਾ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲਏ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ सच समझना औखा फिर सच ते खड़ना बड़ा औखा है जो तो तुसी सच ते खड़दे हो तंकियां आनी है शुरू हो जांदियां कहिंदे अगलियां ने ड्रामा शुरू कर देना कि होर कई प्रकार नाल ते तंग कीता जांदा है अच्छा कई वक्त ऐसा भी हो सकता है कि तुहानू अगले घर दे अंदर ही नजर बंद कर दे ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੰਮੇਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾ ਹੈ अंदर पीने को पानी नहीं है पानी बाहर लेके आना पीना हुण तुसी वेखो ज्ञानी ज्ञान सिंह कहिंदे ने चार सिंह पानी को जावे चार सिंह पानी लैण वास्ते जांदे दरवाजा खुलदा किले दा चार जणे बाहर चले जांदे हुण पानी लियाउणा भी किन्ना औखा है चार सिंह पानी को जावे दोए जूझे दोए पानी लिया दो लड़ाई करते ने राह बनाते ने दो पानी लैके आते ने मतलब जाते चार ने जिंदे दो ही आते पानी लैके दो शहीदी प्राप्त कर सकते देख लो कैसा कैसा समा उन्होंने कटे अज असी देखिए सानू ते कोई ना पानी की समस्या ना बिजली की समस्या ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜਾਵੇ ਦੋ ਜੂਜਰ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ
ऐसे करके लोगों ने सच तो किनारा की पर आप की लैना छो जी अपनी चलती है लगती है दाल रोटी ठीक है चल रो आप की लैं। अच्छा जे कोई बंदा करे कि तू ठेका चुके हो सारे असं पिछाऊ के चले आ जा भाई क्यों असी झमेलिया च नहीं पैना चाहते नानक जी सारी उम्र सफर ते रहे होका देते गए जागो जागो सुतो चलिया बन जारा तो शब ने बचन किया उन्होंने लोगों का फिर मुड़ के जन्म नहीं होता कि जेड़े सच में पछाण लेते हूँ। अगला सवाल यह है सच में किवें पछाणी जोरी बनना पेगा क्योंकि देखो जो हीरा परखना है फिर जोरी बनना पेगा जोरी कोई बनना नहीं चाहता पालकू कोई बनना नहीं चाहता पालकू ना बन करके ही साढ़े नाल धोखे हो गए असीं ठगे जाते हैं। अच्छा सानू कोई बाहरों नहीं ठगन आता साढ़े इधर ही ठग बैठे अंदर बैठे माया ठग लेंदी तुहानू पता नहीं लगता अंदरों ठगे जाते हैं हम फिर किवें करांगे पछाणना किवें है फिर सतगुरु नानक पातशाह जी ने जोगत बख्शी कहिंदे ने जे आप नूं परख नहीं आउंदी ना किसी सियाने कोल परख करवा लो तरीका वधिया मैनू नहीं पता जी तुसीं दस दिओ पर फिर उहदी बात ते भरोसा करना पएगा। वेखो छोटी जी घटना तो नाल सांझी करां एक व्यक्ति अकाल चलाना कर गया चलो उहदी सारी किरिया आदक तों बाद उहदी मां ने अपने पुत नूं कहा बेटा हुण घर जिहड़ा इत्थे उह चलाउणा ही आ तूं इक कम्म कर तेरे पिता जी कुछ पूंजी छड गए ते इह पूंजी खर्च करके तूं कोई कम्म धंधा शुरू कर और अगे अपना गुजारा वधिया चल जाए। उस मां ने लिया के मोरां दी थैली पुत नूं पकड़ा दिया ते नाल इक गल कहती भी तेरे चाचा ने रिश्ते वजो ते उन्हां दी दुकान ते चले जा उत्थे चंगा मुल मिल जाएगा। हुण उह गया दुकान ते जाके कहिंदा चाचा जा भी तुहानूं पता है भी पिता जी दी चढ़ाई कर जाण मगरों घर खर्च थोड़ा औखा है ते पिता जी कुछ सरमाया छड गए ने असीं विचार कीती मैनूं वेच वट के कोई छोटा मोटा काम कर लईए तां कि साडा घर दा गुजारा वधिया चल जाएगा। कहिंदा बेटा बड़ी नेक सोच है तेरी बहुत वधिया सोच है लिया दिखा की छड गए ने पिता जी। उहने उह थैली अपने उस चाचे दे घर दित्ता जदों उहने वेख्या ना ते उहने वेख्या उह हीरे नहीं सी नकली सन हुण बंदा अगला सियाणा सी उहने कहा सोचिया भी जे इहनूं मैं कहता भी इह नकली है इहनूं सुटणा भी चाचा बेईमान हो गया। उहने सियाणप तों कम्म लिया उह कहिंदा बेटा हले इहनां हीरियां दा बाजार च मुल नहीं बणना इहनूं तों घरे सांभ के रख फिर गुजारा कहिंदा उहदे वास्ते तूं मेरे कोल दुकान ते आ नाले काम सिख नाले मैं तुम्हें कुछ खर्चा देंगा जिदे नाल तेरा घर का गुजारा चल जाएगा। चलो जी ठीक है उन्हें जाके कहा माता ये सामभ के रख दे हले का मुल नहीं है। हुण उस व्यक्ति ने उन्हें की किया नाले दे जोरी का काम सिखाया नाल उन्हें पैसे देने शुरू कर दिए जिदन काम सिख गया ना कहिंदा लै वी पुत्रा अज तेरे हीरियां दा मुल पैणा चल आ कर गया। मां कहता मैं मां अज दे पुतले आप बड़ी दुकान कर रहे जो मां गोथी लैके आई उन्हें हम आप जोरी बन गया जो तो कंडे रिपारी पुगा के वह जाते मां कहती आ की कहना माता तो सारा कच है हीरे नहीं है। अच्छा आप कच ही शामी बैठे दुकान ते आए कहना पतीन की गल
थैली भी लेके आया, कहना चाचा जान वो थैली हीरिया भी नहीं सी, वो कच सी, नकली सन सारे, सारे नकली सन, छुट देते मैं। पर कहना मैनू एक गल दसो, तुसी उस दिन नहीं गल लेके भी सारे नकली है। मैं क्या पुत्रा जी मैं उदर तेन दस दिना ना सारे नकली, तू मेरी बात से विश्वास नहीं करना सकती, चाचा बेईमान हो गया लगता, क्योंकि मैं तो पता नहीं थी असली की नकली की है। इस करके मैं सोचे भी क्यों इन कम सिखाया जाए कि असल दी और नकली आप पछाण कर सके। गुरु साहब सानू आई कुछ सिखाते, मालिक ने हर हीरा, परमेश्वर की है हीरा है, जन जोहरी ते सेवक की है जोहरी है, हीरे जड़े जोरिया को मिलने, हीरे जड़े जोरिया को मिलने। इस करके परमेश्वर का जो नाम है भगत जनाक है, मन भी सलाक जपण वाले को नाम है। वो सू करना की पेगा, पातशाह जी ने बचन किया गुरमुख आख है, गुरमुख बुझ है, गुरमुख एको जान है, गुरमुख तो भाव है गुरु के सन्मुख रहना। हम सब तो पहली गल है गुरु के सन्मुख रह के की करना, आख है सच न गाना है, सच न पढ़ना है, सच न सुनना है, सच न समझना है, गुरमुख बुझे बुझना है, जिमें बुझाता नहीं बुझते उमें बाणी बुझनी है। बुझना काम तो औखा लगता, अजकल तुम बच्चों को बुझाता पाओ कि बुझण के हम बुझना औखा है, क्योंकि हम ना सिस्टम जो बदल गए, बदल गए। पुराने समय दिड़िया बुझावत सन तो साड़िया अखा नहीं खराब कर दया सन, जिड़िया अजकल साढ़े बच्चे गेम खेलते हैं तो भी बुझावता ही नहीं, पर अखा खराब कर दया, होर भी कई तरीके के नुकसान पैदा कर दिया। बाणी के अंदर बहुत सारिया बुझावत ने, मालिक कहते बुझ लो बुझ लो लेंदे। पंजाब के अंदर जो बरात आती है ना, एक थाल तैयार किया जाता है, उसके कुछ मिठा आदि जो भी समान पाक उपरों ढक लिया जाता है, तो ढक के कुड़ियां और थाल लाड़े अगे लिजांदियां ने कि जाके उन्हें पुछदियां भाई बुझ इस थाल दे विच की है। देखो गुरु साहब जी ने थाल तैयार किया गुरु ग्रंथ साहब, इस थाल दे विच मेरे मालिक ने पाता तीन प्रकार का भोजन, और उत्तों मेरे मालिक ने थाल नूं दित्ता ढक। पातशाह कहिंदे नूं बुझो भाई इस थाल च किहड़ा किहड़ा भोजन पिआ, बुझो तुसीं रोज पढ़दे हो। मालिक ते जिहड़ा बुझ लएगा होवे सचिआर, बुझना मालिक कहिंदे ने बुझण वास्ते सानूं की करना, गुरु दे सन्मुख रहना है। गुरमुख आख है, गुरमुख बुझ है, गुरमुख एको जान है, तो गुरु दे सन्मुख रह के एक नूं जाणिआ जा सकदा है, क्योंकि गुरु ने ते गल ही कदी करनी है, गुरु नूं ते जोड़दा ही कदे नाल है, गुरु दूजे की बात ही नहीं करता ख्याल रखना, गुरु तीजे की बात ही नहीं करता ख्याल रखना, गुरु ने जदों भी बात करनी है एक दी बात करो, क्योंकि नानक ने गल शुरू एक तो ही की है। जो तुम गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ना शुरू करके वेखो, एक ओंकार एक तो गल शुरू की, क्योंकि मालिक जी एक दे नाल जोड़ने वास्ते आए सारे, इतने नहीं भी बहुते मंगलवार किसी होर की पूजा करनी है, वीरवार किसी होर की पूजा करनी है, शनिवार किसी होर की पूजा करनी है, सारे वार बने हुए ने, ठीक है जी। फिर जिन्हों खुश करना है, कोई बूंदी नाल खुश होएगा, कोई लड्डुआं नाल खुश होएगा, कोई बर्फी नाल खुश होएगा, इतने ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने किवें खुश होएगा, मालक नूं खुश करना किवें करना, उहदे हुकम दे अनुसार तुर के
मालक साढ़े को कुछ भगत है तुम कद आए हो तुम गुरु ने कहा भी मैं आ चीज लिया के दौ नहीं असि जो भी आए हैं क्या पाचक जी सू आ चीज दौ गुरु साढ़े को कुछ नहीं मंगता तो जे गुरु मंगता है ना तो साढ़े को मंगता है साड़ी मत जी साड़ी मत है गुरु कहते तू अपनी मत मैनू दे तो मेरी मत तू ल जा गुरु कहने तू अपना मन मैनू दे दे मैं तेरा मन धो के माच के सवाल के चमका के तेन दे मन ही तो अस देते नहीं क्यों क्यों नहीं देते क्योंकि जे मन देता फिर मेरी मर्जी कि चलूगी और तो मेरी मर्जी है जे मन गुरु ने देता फिर मर्जी कि चलू गुरु की मैं तो जीरो हो गया इस करके मैं कहना मालिका मन नहीं देना भाव मैं अपनी मत नहीं छड़नी गुरु साहब कहते जब तक तू अपनी मत नहीं छड़नी उदों तक बात नहीं बननी उदों तक बात नहीं बननी तुसी भी कुछ स्कूलों में जाने कॉलेजों में जाने होर वक्रिया थावां ते जाके पढ़ते हैं बड़ा कुछ सीखते हैं अपनी मत छड़ते हैं ताही सीखते हैं अपनी मत ना छड़ी फिर सीख सकेंगे अगे बिल्कुल नहीं वे बदना है ये पिछे छड़ना पड़ेगा मेरे मालिक ने वचन किया एक मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कर कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी भी सारे दूजा पाओ जियो यो पावे कर सावड़ा ना लगे तत्ती वाओ जी अगला अखर की है जी अगला अखर है राला की कहते ने सतगुरु जी रो रहा सब अंतर जेते किए जनता किन्ने जान कई बार पल ए तो लैके जड़ तक सारी एबीसीडी आ गई ना पिछे जा फिर कहते ने कीड़ी तो लैके हाथी तक कीड़ी सब तो छोटा है और हाथी सब तो वड्डा मनिया जाता है ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੀਟੀ ਤੇ ਪੁੰਚਰ ਅਸ਼ਟੂਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆਤੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਸਭ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਪਾਉ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲੀਆ ਸਿਰਫ ਅਲੰਕਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੇ ਗੁਰੇ ਆਈ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ
किन्नी सिख दे कोले बादशाहत है, किन्ना सिख दा जिगरा वड्डा है। सिख तीन दिनां दा भुख है, प्रशादे दो ने, दो प्रशादे दा लंगर लाई बैठे, लगदा कि दो प्रशादे दा लंगर सिख लाउंदा। और उच्ची चढ़ के ना अपने आले दुआले देखदे वी कि उच्ची थां ते चढ़ के आवाज मारदा, देर आवाजा ओका कोई आओ देख त्यार होई, आ जाओ भाई गुरु की देख पाओ लंगर, गुरु का लंगर त्यार है, दो प्रसादे ने मेरे को आ जाओ लंगर त्यार है। वो कहता कमाल है, ऐसा कर दे। कहता हाँ। कहता अच्छा मैं गल दस। कहता पूछ भी ये दो प्रसादे ने लंगर ते ला लिया, मेरे वर्गा भुखा आया, दो दे दो खा लिया, पिछे की करूंगा। कहता उधर भी प्रबंधन है कोले, वो की है। कहता बच जे है तो खुद खा ले है, बच गया ते खा लेते ने, नहीं तो लंगर मस्त बते है, नहीं तो कहते लंगर मस्ताना हो गया। गुरु पातशाह जी ने जेडे सिद्धांत दिते है ना, मैं ते एक बेनती करना भी आप समझने शुरू कर दी। चलो कमाना ते बाद दी गल है, पहले समझना ते शुरू करिए। समझण वास्ते सानू एक ओंकार दा लाभ पढ़ना पएगा, ते एक ओंकार तो बाणी पढ़नी शुरू करनी पएगी। शिव कहिंदे ने रव रहा समय अंतर जेते की ए जनता, जिन्ने जग पैदा कीते ने सारे च वसिया होया। भगत धन्ना जी दा एक बचन है, पाखान कीट गोपक होए रहता है। पखान कहते ने पत्थर, कीट कहते ने कीड़ा, गुप्त भाव लुक के पत्थर दे विच कीड़ा लुक के रहता है, ताचो मार्ग नहीं, उस कीड़े नू पत्थर विचों बाहर आने का भी रस्ता नहीं है। हुण उह खांदा की होएगा? ते भगत धन्ना जी ने पता की कहा, कह धन्ना पूर्ण ताहू मैं मदरे जी राही। तू क्यों डरदा है? ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਚ ਗੁਪਤ ਲੁਕਮਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਧੰਦਾ ਸਭ ਲਾਏ, ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚਲਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੰਦੇ ਲਾਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਤ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੜੀ ਵੇਹਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਊਗਾ? ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾ ਲੈ ਲਾਈਆ, ਮੂਰਖ ਲਿਆਓ ਬਿਠਾਓ, ਕਹਿ ਚੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਕੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮਾਂਜ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗ ਚਕਾ ਸੇਵਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਕੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਝਾੜ ਚਦਰਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਰਖ ਕੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬਦਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰ ਦੋ, ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਮੁਗਧਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਪਦ ਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੁਰੇ ਗਰੀਬ ਤੁਰੇ, ਰਸਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਗਰੀਬ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਅਮੀਰ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਤਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਦੇ ਸਭ ਲਾਏ ਕਰਮ ਗੁਆ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਹੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਢੰਗ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸ, ਤੂੰ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਖਾ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲੈ, ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਨ ਸੋਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਐਸੇ ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿੱਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤਨ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਚੋਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇ, ਆ ਨੀਰਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਾਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਪੰਨੀਆਂ ਛੰਦ ਨੀਕਾ, ਪੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਦ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਕਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਬਈ,
मालिक चंगी घोड़ी भी होनी चाहिए है। अज के जमाने की गल करें तो गड्डी ला लो कोई भी होवाद की घ्यो ना घटो घट। अच्छा भाई गड्डी भी दे दें तेन होर दस। कहता मालिक इन चीजा देती है सामने कहने घर की भी चंकी होनी चाहिए है। घर की हम चंकी जब धना ले मांगी तू लालच करी बैठा। कहता ना मैं ना ही किया लगो लालच नहीं है मेरिया लोड़ा ने। तो गुरु साहब जी ने बहुत साढ़े बख्शिशा की फरमाया जन तो पाए तंदै सब लाए कर्म गोआ तिन नाम लया। जिन्हां ते मालक की बख्शिश हुई उन्होंने नाम मिल गया। ते साहब की बाणी दे वचन कह के समाप्ति करते हैं साहब कहते नाम ते आए सो सुखी। जिहड़ा नाम ते आता है वह सुखी है ते जिस नाम ते आके भी दुखी हाँ तो फिर सानू वेखना पैगा मेरे नाम ते आउंदे च किते कमी है। देखो जिते कमी होगी फिर पता लग जूगा। इस करके कोशिश करिए अपनिया कमिया दूर करिए। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी। गुरु ने मैनू मेरी कमजोरी दस दी भी आ कमजोरी है आ मोरी है इतो चोर अंदर आता है। जो मैं मेरी कमजोरी पता लग गई फिर मैं की करना हूं मुंदलिए दरवाजे अपनी कमजोरी जी दूर कर देना। कमजोरिया जी अपने जीवन च उन्होंने बाहर करिए जिवें जिवें कमजोरिया दूर करते जावे जीवन उजला होता जाएगा। जीवन खुशी के नाल खेड़े के नाल आनंद के नाल विकास भरता जाएगा। असि रोज पढ़ते हैं ना नानक भगत सदा विलास ते पढ़दे पढ़दे कदे मन च ख्याल नहीं होंदा बाबा मालिक जी ते भगतां दे मन च जिहड़ा खेड़ा है मेरे अंदर नहीं आ सकता। कदे ख्याल नहीं आया पढ़दे पढ़दे कईयों नूं ते 20-50 साल हो गए 30 साल पढ़दे रहे कदे मन च ख्याल नहीं आउंदा पर साडे ते ख्याल ही पुठे होंगे सिद्धा ते ख्याल आउंदा नहीं। तुसीं पाणी पड़न बैठी है ना कहिंदे भी